प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के वचन में। इससे पहले कि हम आज के वचन को शुरू करें, मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे चर्च का ही चैनल है जिसका नाम है बेसिक टीचिंग्स। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले भी हमने इसी चैनल पर 32 वीडियो की सीरीज़ डाल चुके हैं हम, जिसमें हम प्रेयर कैसे करनी चाहिए, बाइबल कैसे पढ़ना है, अगर कोई वचन नहीं समझ में आ रहा तो हम उस समय क्या करें, वचन को मनन कैसे किया जाता है, दुआ कैसे की जाती है, एक राइट चर्च, एक राइट पास्टर फाइंड करना, हमने सारी वो शिक्षाएं दी हैं। आप चाहें तो आप सुन सकते हैं और हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल भी है। आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम एवरी संडे यहां पर वीडियो डालते हैं रात को 9:30 या 10 बजे। जो और भी अन्य चैनल हैं जो सिर्फ हमारे हैं, उनकी लिस्ट आपको इस समय दिख रही होगी। मात्र यही वो चैनल हैं जो हमारे हैं, इन्हें छोड़ हमारा कोई चैनल यूट्यूब पर नहीं है। और मुझे लगा कि मैं इस बारे में आपको जानकारी दूं, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं विशेषकर उन लोगों से जो इन दिनों में इस गंदी आदत के शिकार हैं जिसे कहते हैं अश्लील वीडियोस। ऐसी चीज़ों को देखना जो बहुत ही शर्मनाक हैं। मैं वचन शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहता हूँ, आज के वचन को बड़ी गंभीरता से लीजिए। मुझे आज भी याद है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐसा कहा था, जब मैं प्रभु में आया और मैंने सेवा शुरू की तो एक बहुत ही ईमानदार भाई ने कहा, ब्रदर मैं बहुत गुनाह में हूँ और मैं जब तक इन चीज़ों को न देखूँ तब तक मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं हर दिन किसी साइट पे जाके उन लिंक्स को क्लिक करके मैं इन वीडियोज़ को देखता हूँ। मैं चाहता हूँ अब आप बड़े ध्यान से सुने। अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार, खुदा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं। हमें वो उन्हें नहीं दिखाना है, पर हमारी आंखों को हमें वो दिखाना है जो उनके लिए सही है। इवन आज बहुत सारे जो जवान हैं वो इन दिनों में एक आदत बन गई है, एक हैबिट में आ चुके हैं वो लोग, और वो है हर दिन पॉर्न वीडियोस देखना। बहुत लोग आज इन दिनों में अपने मोबाइल के अंदर फेसबुक पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके इन लिंक्स को क्लिक करते हैं, और कई बार वेबसाइट्स पे जाके, वहाँ पर जाके ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें दो लोग अपने एक साथ व्यभिचार कर रहे हैं और हम उनको देखते हैं। आप जानते हैं ये डिज़ायर किसकी है? ये जो आपके अंदर या आपके अंदर जो भी ये अभिलाषाएं आती हैं कि मैं ये सब देखूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आप नहीं हो। आप में से कितने लोगों ने इस बात को देखा जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया तो लिखा है परमेश्वर के बेटों ने जब मनुष्य की बेटियों को देखा तो उनसे विवाह कर लिया। कौन है ये खुदा के बेटे? मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में एंजल्स को भी, स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर का बेटा कहा जाता था। इसलिए आप अय्यूब में पढ़ते होंगे, जब खुदा के सारे बेटे इकट्ठे थे तब शैतान वहां पर आया। शैतान ने उनकी उस दुष्ट आत्माओं ने जो स्वर्ग से गिराई गई थी, क्योंकि उन्होंने वहां पर रिबेल किया था, उन्होंने वहां पर गुनाह किया था, घमंड किया था, तब प्रभु ने उनको नीचे फेंका। और जब वो नीचे आए और मनुष्य बनाया गया तब इन्होंने कुछ स्त्रियों को देखा और इन्हें वासना से ये भरे हुए थे लेकिन इनके पास शरीर नहीं था। तब इन्होंने कुछ लोगों को पजेस किया और पजेस करने के बाद इन्होंने उनसे व्यभिचार किया, और आपको पता है वहीं से दानव पैदा हुए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई बार आप जब इन अश्लील वीडियोस को जब आप देखते हैं, जब आप देखते हैं कि कैसे एक लड़का और एक लड़की अपने बदन का अनादर कर रहे हैं, और बड़ी अजीब बात है कि हम पैसे पे करते हैं ये सब देखने के लिए, और जब हम उसको देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल आप नहीं पर दुष्ट आत्माएं इंजॉय करती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, ये उनका स्वभाव है जो हमारे अंदर इम्पार्ट किया जाता है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन दिनों में अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एवरी सिंगल डे इन पॉर्न वीडियोस को देख रहे हो?
कहीं ऐसा तो नहीं है इन वीडियोस को देखकर आप मैस्टर्बेशन के शिकार हो रहे हैं, हस्तमैथुन के पापों के आप शिकार हो रहे हैं? आस्क योरसेल्फ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, नरक ले जाने के लिए ये पाप काफी है। मुझे लगता है मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बात पर नहीं मान सकता कि जो लोग पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं खुदा उन्हें हेवन में वेलकम करेगा। इट इज इम्पॉसिबल। मुझे लगता है अगर कोई ये कहता है कि तुम पॉर्न वीडियो देखो और तो उसके बाद भी तुम खुदा के द्वारा स्वीकार किए जाओगे, तो आई थिंक दिस इज अ हेरेसी, दिस इज अ हेरेटिक मैसेज। आप देखिए इन दिनों में क्या हो रहा है। मुझे आज भी याद है मेरे एक ईमानदार दोस्त ने कहा था, ब्रदर जब से मैंने अपने घर में वाईफाई लगाया है मैं व्यभिचारी बन गया हूं। मैंने कहा ब्रदर कैसे? बोला पहले 1 GB इंटरनेट मिलती थी तो हम लोग बहुत संभल संभल के इंटरनेट यूज करते थे, हम 5 मिनट यूज करके फिर बंद कर देते थे फिर एक डेढ़ घंटे के बाद। लेकिन जब से मुझे वाईफाई कनेक्शन मिला है मैं हर चीज को मैंने देखना स्टार्ट किया है और देखते देखते आज मेरी जिंदगी कहाँ चली गई है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ अगर आप में से कोई भी इस एडिक्शन में है कि आप हर दिन अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर और अपने सेलफोन में आप ऐसे वेबसाइट्स पर जाके इन लिंक्स को क्लिक करके दो लोग अपने बदन का अनादर कर रहे हैं और आप उसे देख रहे हैं, और न केवल देख रहे हैं आप उसे देखकर अपने शरीर का भी अनादर कर रहे हैं, याद रखिए बाइबल साफ कहती है कोई व्यभिचारी कोई भी व्यक्ति जो इन बातों में है वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता। बाइबल बताती है इनके लिए अनंत दंड तैयार किया गया है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं और मैं बिलीव करता हूं यही वो वचन है जो आपको इन अश्लील वीडियोस को दिखाने के और इस गुनाह में से बाहर निकाल सकता है। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड है जिसका नाम है रोमियो और 5 का मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 8 वचन। यहां लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जरा सोचिए, मैं आपको इमोशनल वे में कुछ नहीं बता रहा हूं, जस्ट थिंक अबाउट दिस। जरा सोचिए आज से 2022 साल पहले वो हमारे बीच में आया, कोई पाप नहीं किया था उसने, कोई गुनाह नहीं किया था उसने। एक दिन उसे पकड़ के वो लोग उसे ले गए और ले जाने के बाद आप देखिए उसके साथ क्या किया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसकी पीठ छलनी छलनी कर दी गई। बाइबल बताती है उसकी पीठ ऐसे हो गई मानो किसी खेत पे हल चलता हो, उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया। बाइबल बताती है जब हमने उसकी ओर देखा तो वह हमें इंसान की तरह नहीं दिख रहा था, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया और एक कपड़ा जो उसकी सिंगल प्रॉपर्टी थी उसको फाड़ के उन्होंने उसके कपड़े चेंज किए और वो उसके सामने झुक रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे कि ये राजा है ना तो ये कपड़े पहने। आप सोचिए उसके हाथ पैर कीलों से जड़ दिए गए, सब कुछ सह लिया उसने। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने पाप किए थे। दुनिया कहती है जैसे करनी वैसे भरनी, लेकिन जानते हो बाइबल क्या कहती है कि तुमने किया उसने भुगता। इसलिए भजनकार कहता है उसने वो काटा जो उसने कभी बोया भी न था। एक इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए बाइबल साफ कहती है वो अपने पापों का मूल्य नहीं दे सकता। उद्धार भले ही मुफ्त में क्यों ना है लेकिन वो बहुत महंगा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों आप सोचिए खुदा ने आपको बचाने के लिए वो कहां से गुजरा। जब भी मैं इस प्रभुभोज की रोटी को अपने हाथों में इसी रविवार इसी कलीसा में तोड़ता हूं तो मैं यही सोचता हूं खुदा जैसे ये रोटी टूटी वैसे तू भी मेरे लिए टूटा ताकि मुझे बचा सके। मेरे भाइयों मेरी बहनों जरा सोचिए उसने आपको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज हम उसके बलिदान को भूल कर अब हम इन कामों में लग गए। हम वेबसाइट्स पे जाते हैं और हम इन अश्लील वीडियो को जहां पर दो एक लड़का और एक लड़की गुनाह कर रहे हैं अश्लील हरकतें कर रहे हैं और हम उनको देखते हैं, और देखने के बाद आपने देखा है कई बार, देखना तो छोड़िए देखने के बाद कई बार हम अपने मन में इन चीज़ों को इमेजिन करके कि हम भी यही कर रहे हैं हम व्यभिचार कर लेते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों जरा सोचिए यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, क्या आप उसके प्रेम की कदर करते हैं?
व्यभिचार से बचने के लिए मुझे लगता है तीन रास्ते हैं। एक, वहां से भागिए। दूसरा, उसके प्रेम को मनन करना सीखिए। मैं आज भी कहना चाहता हूं, पहले के दिनों में मैं गुनाह इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे डर था गुनाह मुझे नरक ले जाएगा। लेकिन आज मैं गुनाह इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पहले के गुनाहों ने मेरे परमेश्वर की क्या हालत कर दी थी। आज अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने लैपटॉप और जब आप अपने कंप्यूटर, जब आप अपने मोबाइल या जब अपने गैजेट्स को देख खोलते हैं और आप चुप चुप से उसको देखते हैं, क्या आपको ये याद आता है कि कैसे उसने आपके लिए अपना जीवन दिया, कैसे उसके लिए आपकी जिंदगी क्रूस पे उसकी काटी गई। जरा सोची। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज यहां पर साफ लिखा गया है, जब हम पापी ही थे तब वह हमारे लिए मरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बिल्कुल विश्वास मत करना कि आपकी इस आदत को जानकर भी वो आपसे नफरत करता है। जी नहीं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यस, आई ब्रदर सूरज प्रेमानी, आई एम टेलिंग यू, खुदावन आज भी आपसे प्रेम करते हैं। वो आपके लौटने का इंतजार कर रहा है। हो सकता है इस समय आपके आंखों में आंसू होंगे कि ब्रदर परमेश्वर मुझ जैसे पापी व्यभिचारी से प्यार करता है। यस, ही लव्स यू, और उसने वादा किया है वो आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। आपने उसे त्याग दिया होगा, आपने उसे छोड़ दिया होगा, लेकिन वो कभी भी आपको नहीं छोड़ सकता। आप जानते हो, जब गुमराह पुत्र वापस आया तो ऐसा लिखा है कि उसके बाप ने उसे देखा। कैसे देखा? मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, वह हर दिन उसका इंतजार करता था कि वो वापस लौट आएगा। आज अपने आप से पूछिए, क्या आपका फोन जिसमें आप ये सब चीजें देखते हैं, नॉनवेज जोक्स पढ़ते हैं, गंदी चीजें देख रहे हैं, क्या आपको उस समय उसका वो बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाई देता है? क्या उसके छिदे हुए हाथ दिखाई देते हैं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या किया, मेरे पूर्व पापों ने उसकी क्या हालत कर दी और अब मैं फिर से उसे क्यों क्रूस पे चढ़ा रहा हूं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप इन अश्लील वीडियो से बचना चाहते हैं, मैं आपको तीन सलाहें देता हूं। फर्स्ट, वहां से भागिए। बहुत ज्यादा करीबी दो लोगों की गुनाह करवाती है। अगर आप एक भाई हैं और किसी बहन से बहुत क्लोज हो रहे हैं इन दिनों में, आप बिलीव करें, आपका गुनाह शुरू हो चुका है। दूसरी चीज, उसके प्रेम को मनन करें कि प्रभु ने मेरे लिए कैसे अपनी जिंदगी दी। और तीसरी चीज, खुदा से कहिए, मुझे पवित्र आत्मा से भर। वही पवित्र आत्मा आपको स्वयं पे संयम देगा, वही पवित्र आत्मा आपकी आंखों को मोड़ने में आपकी मदद सहायता करेगा। आज मैं आप में से हर एक जवान, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक टीनेजर से बात करके ये कहना चाहता हूं, अश्लील वीडियोस देखना, पॉर्न वीडियो देखना एक बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये गुनाह आपको नरक में ले जाएगा। आप जानते हैं नरक क्या है? आप में से बहुतों को लगता है नरक सिर्फ एक आग की नदी है, एक आग की झील है, जैसे इंसान वहां जाता है एक नदी बहती है उसमें आग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरक में उससे भी एक खतरनाक चीज है जिसका जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्या आपने कभी देखा जब लूका की किताब के अंदर जो वो धनवान जो नरक में गया, वो कितना उसे पुकार रहा था, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम, लेकिन क्या वो बचा? आप जानते हो, नरक एक ऐसी चीज है, वहां पर परमेश्वर की दया नहीं है। आप कितना भी वहां पर जाके अपने पापों का पश्चाताप करें, गलतियां मान लें, यू नो द बाइबल से एक चांस के लिए लोग वहां पर तरस जाते हैं कि खुदा एक चांस दे दे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। यह न समझिए कि अनंत जीवन सिर्फ मरने के बाद सदा का जीवन है। याद रखिए, इंसान नरक में भी सदा का जिंदगी जिएगा, सिर्फ अपनी पीड़ा के अंदर। इन अश्लील वीडियो से बाहर आइए, पश्चाताप करिए, खुदा से खुदा का शुक्र करिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि ये सब जानने के बाद भी वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो जानता है उसका प्रेम ही हमें बदल सकता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो आपसे प्रेम करता है,
वो आपसे मोहब्बत रखता है। इसीलिए पश्चाताप करिए। और आज ही मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आपके मोबाइल में अगर कोई भी गलत स्टफ पड़ा हुआ है, ऐसे फोटोज पड़े हुए हैं जिसमें कोई कपड़े नहीं पहने हुए, वो सारे फोटोज चाहे वो किसी का भी हो, हमारा हो, किसी और का हो, या किसी भी सेलिब्रिटी का ही क्यों ना हो, उसे डिलीट करिए, उसे डिलीट कर दीजिए। प्लीज दुष्ट आत्माओं को अपने जिंदगी में आने का मौका मत दीजिए। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी आंखों में आंसू होंगे कि ब्रदर मुझ जैसे गुनहगार से खुदा प्यार करता है। यस, ही लव्स यू, वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो ये संदेश आपके पास पहुंचा रहा है आज। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने जरूर कुछ सीखा होगा। हमेशा की तरह मैंने आज भी आपके लिए एक आर्टिकल लिखा है। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये आर्टिकल मिले, तो इस समय जो नंबर स्क्रीन पर है, उस नंबर को, इस नंबर पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम, और आपको सिर्फ यहाँ पर ये लिखना है, अश्लीलता से छुटकारा। सिर्फ अगर आप इतना लिखेंगे, आपके पास एक आर्टिकल आएगा हिंदी और इंग्लिश में व्हाट्सएप पे, और आप उसको पढ़ के और जान पाओगे कि हम किस तरह से पूरी तरह से आज़ादी पा सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। मैं विश्वास करता हूँ आपने आज के वचन से बरकत पाई होगी। यदि आपने आज के वचन में कुछ सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपसे विनती है, इस वीडियो को अपने ग्रुप्स और फेसबुक अकाउंट पर ज़रूर शेयर करिए, ताकि और भी हमारे भाई बहन इससे आज़ाद हो सकें। आप सभी को जय मसीह की।